वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं भिंडी प्याजा की सब्जी बनाने वाली हूँ, बिल्कुल देसी स्टाइल में, जैसे कि हम गांव में बनती हैं। हमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वे में बनाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो भिंडी ली है, उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, धो लिया है। ग्रीन चिली ढेर सारी डालनी है, उसके बाद गार्लिक डालना है लगभग 100 ग्राम, और लगभग 500 ग्राम मैंने ओनियन ली है। ओनियन को मैंने चॉप कर लिया है, आप चाहें तो काट सकते हैं, काट कर आप उसे डाल दें। उसके बाद मैंने हाई फ्लेम पर कढ़ाई में मैं तेल डाल रही हूँ, लगभग तेल मैंने 200 ग्राम डाला है, और क्योंकि तेल अच्छी तरीके से पक जाए, उसमें से धुआं निकलना चाहिए। तो उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा डालूंगी, उस जीरे को भी हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। उसके बाद कड़ी पत्ता ज़रूर डालना है, कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छे आने वाला है इन सभी मसाले में। अब मैं इसमें ओनियन डाल दूंगी, ओनियन को हमें अच्छे तरीके से ज़्यादा फ्राई नहीं करना, लाइट फ्राई करना है। तो उसके बाद मैंने गार्लिक को इस तरह से नाम तत्ते में कूट लिया है, आप भी ऐसे कूट लें या काट कर डाल सकते हैं। तो काली मिर्च ज़रूर डालनी है, काली मिर्च होनी चाहिए 1 टीस्पून मैंने डाली है इसके अंदर, और ग्रीन चिली बहुत ढेर सारी डालनी है, हमें लाल चिली का यूज़ ही नहीं करना है इसमें। फिर उसके बाद भिंडी डालनी है, और इन सब मिक्सर को घुमाकर मूव करके अच्छी तरीके से, इसमें कोई मसाला भी नहीं आपको डालना है। थोड़ी देर हम इसे ढककर रख देते हैं, हार्डली 5 मिनट आप रख दीजिए ढककर। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे जैसे देसी स्टाइल में बनता है। मैं एक लगभग 1/2 टीस्पून मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून मैं इसमें टर्मरिक डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ, और इसमें सूखी मेथी ज़रूर डालनी है, अच्छा फ्लेवर आने वाला है। और इन सब मसालों को मीडियम फ्लेम पर आपको गैस पर रखना है, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको नमक डालना है। शुरू में आपको नमक बिल्कुल नहीं डालना, काला नमक मैं ज़रूर डालूंगी, अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि अगर हम शुरू में नमक डाल देंगे तो भिंडी पानी छोड़ देती है, अब पानी नहीं छोड़ेगी। और इस तरीके से आपको कोई ऐसा ढकने का बर्तन लेना है जिसमें कि भाप उसकी निकलती रहे। तो ये भिंडी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तैयार हो गई है बनकर, तो अब इसे हम अलग बर्तन में कर लेती हूँ मैं। भिंडी में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, एक देसी स्टाइल में टेस्टी सी भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप भिंडी बनाएं, सभी को पसंद आएगी, जो नहीं खाता हो वो भी खा लेगा भिंडी प्याजा को। तो फ्रेंड्स, इसमें नींबू ज़रूर डालें, बिकॉज हम इसमें टमाटर नहीं डालते, नींबू का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और ऐसे ही टेस्टी सी भिंडी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, मुझे अच्छा लगता है। और ऐसे ही आप मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।